कुमार आश्रय लिमिटेड के साथ में, तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिजिटेक सोसाइटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से पाइथन में हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में, ऑक्टल में एंड हेक्सा में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक कैलकुलेटर ओपन कर लिया है, तो कैलकुलेटर को हम सबसे पहले इसमें चेंज कर लेते हैं प्रोग्रामर में। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर एक वैल्यू ली है 12, और 12 को हेक्सा में वैल्यू क्या आती है, सी आती है, डेसिमल में 12 है आपका, ऑक्टल में 14 आएगी और बाइनरी में इस तरीके से वैल्यू आएगी। तो यही चीज हम किस तरीके से पाइथन में करने वाले। तो पाइथन में भी यूज करेंगे फॉर्मेट फंक्शन। तो चलिए हम पाईचार्म ओपन करते हैं। सबसे पहले मैंने पाईचार्म को ओपन किया और यहाँ पर हम एक कोड देने वाले हैं। तो कोड देने के लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसमें किसी भी नाम से आप बना सकते हैं। मैंने नम नाम से बनाया इज इक्वल टू, आप इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में हम देखेंगे एक ब्रेकेट लगाएंगे और जीरो और कॉलन। अब हम बाइनरी भी कन्वर्ट करने वाले, तो मैं यहाँ पर बी टाइप किया और ये हम ब्रेकेट को क्लोज कर देते हैं। अब हम इसी को प्रिंट कराएंगे, तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद में हम क्या करने वाले हैं, जो हमने वेरिएबल बनाया है वेरिएबल का नेम हम देंगे। तो नेम क्या है, नम है डॉट, हम क्या लिखेंगे, एक फंक्शन यूज करने वाले हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट फंक्शन के अंदर जो भी आप वैल्यू जिसका आप निकालने वाले हैं बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने वाले, तो हम यहाँ पर वैल्यू देते हैं। तो वैल्यू अभी हम किस क्या लिखी है, हमने 12 लिखी है। तो अब इसे हम रन करा देते हैं। तो रन कराने के बाद हम देखते हैं क्या आउटपुट हमें मिलने वाला है। तो रन कराने पर हमें बाइनरी नंबर क्या मिला, 1100। तो जैसा कि आप देखेंगे कैलकुलेटर पर भी हमें क्या दिख रहा है, हमारा आउटपुट 1100। तो चलिए इसको जानते हैं, अभी हम यहाँ पर 10 का देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा 10, तो 10 का हमारा है 1010। तो यहाँ मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 10 लिखता हूँ और इसको रन कराने के बाद में हमें आउटपुट देख लेते हैं। तो ये इस तरीके से आउटपुट आ गया है। इसको और भी अच्छे तरीके से फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ कि अभी हमें पता नहीं लग पा रहा कि आउटपुट किस चीज का आया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं बाइनरी ऑफ, मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, ब्रेकेट लगा के 0 लिख देता हूँ, यहाँ इज इसका क्या आएगा। तो मैंने यहाँ पर ये आउटपुट देखा आपने, बाइनरी ऑफ 10 इज ये आ गया। ठीक है, अब हम इसी को हमने बाइनरी में चेंज कर लिया। अब हम बात करेंगे इसको ऑक्टल में कैसे चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ पर इस कोड को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद में यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ नेक्स्ट लाइन में, और आपने बाइनरी की जगह में यहाँ लिख देता हूँ ऑक्टल, ऑक्टल ऑफ ये। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ऑक्टल में बनाने के लिए बी की जगह हम क्या करेंगे, ओ लिखने वाले हैं। ओ लिखने के बाद हम आउटपुट देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो आउटपुट आपने देखा बाइनरी ऑफ 10 इज ये आ गया, ऑक्टल ऑफ 10 इज 12 आ गया। तो चलिए हम कैलकुलेटर पे भी देख लेते हैं। तो ऑक्टल नंबर हमारा क्या है, इसका 12 आया। तो अब हेक्सा में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी कोड को हमने कॉपी कर लिया है, इसको हमने यहाँ पर, अब हम यहाँ पर लिखते हैं हेक्सा। अब हेक्सा में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लिखेंगे एक्स। एक्स लिखने के बाद में हम इसको रन कराने वाले हैं, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, हेक्सा ऑफ 10 इज ए। तो 10 नंबर पे क्या आता है, हमारा ए आता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर ए दिखा दिया। चलिए मैं एक कोई दूसरा नंबर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर एक वैल्यू दी 1 2 3। अब 1 2 3 में देखिए हेक्सा क्या आ रहा है, 7 भी आ रहा है, डेसिमल हमारा 1 2 3 है, ऑक्टल 173 है और बाइनरी नंबर हमारा ये होने वाला है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दी 1 2 3 और यहाँ हमने दिया 1 2 3 1 2 3 और हमने यहाँ पर इसको रन करा दिया। तो रन कराने के बाद आप देखेंगे 1111011 और देखिए 1111। देखिए अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 0 दे रखा है, तो 0 देखिए अगर किसी वैल्यू से पहले यहाँ पर 0 है तो उसको हम हटा सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए 11 ये बन रहा है हमारा और 11 ये बन रहा है और 011। ठीक है, तो ये देखा आपने 7 भी हमारा हेक्सा में आ रहा है और ऑक्टल में आ रहा है 173। तो आई होप इस चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने आपको एक फॉर्मेट फंक्शन के द्वारा किस तरीके से नंबर को, डेसिमल नंबर को बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्सा में चेंज करते हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और भी फंक्शन के द्वारा हम किस तरीके से निकालते हैं वो आगे की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।